फिलॉसफी के चैप्टर्स थोड़े लंबे होते हैं और फिलॉसफी की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए कभी कभी बोरिंग सी लगने लगती है। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमें फटाफट इसके शॉर्ट नोट्स मिल जाएं ताकि हम इसे एग्जाम में लिख पाएं। लेकिन शॉर्ट में समझने की कोशिश में उस चैप्टर के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है और हमें फिर शॉर्ट नोट्स को रटना पड़ता है। इस ऑडियो बुक सीरीज में हम फिलॉसफी के चैप्टर्स को डिटेल में पहले समझेंगे और उसके बाद आप आसानी से खुद अपने शब्दों में इसके शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। तो समझते हैं सीरीज का पहला लेक्चर, द फिनोमेनोलॉजिकल व्यू पॉइंट। इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर की शुरुआत में डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है और ये पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों पॉइंट्स के आसपास घूमता है, इसलिए इन्हें समझना सबसे ज़रूरी है। पहला इम्पॉर्टेंट टर्म है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फिनोमेना, यानी घटना का अध्ययन। कैसी घटना? जो खुद के एक्सपीरियंस पे आधारित है। इस स्टडी की खासियत ये है कि इसमें थियोराइजेशन नहीं होता है, ना ही कोई पहले से निर्धारित अस्पष्ट धारणा। दूसरी खासियत ये है कि इसमें हमारा फोकस घटना के किसी एक भाग में नहीं होता है, बल्कि पूरी घटना को एज अ होल स्टडी किया जाता है और समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत फेमस बुक पढ़ी, उसके बाद कोई आपसे पूछता है कि आपको ये बुक कैसी लगी, तो अगर आप फिनोमेनोलॉजी के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं तो आप उस बुक के बारे में अपने खुद के विचार बताएंगे और आपका आंसर इस बात से प्रभावित नहीं होगा कि औरों की इसके बारे में क्या राय है। वो बुक बहुत फेमस भी है तो भी वो आपको बुरी लग सकती है या फिर अच्छी लग सकती है। दूसरी बात, आप बताएंगे कि वो कंप्लीट बुक आपको कैसी लगी, ना कि उसके किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर या फिर किसी एक पर्टिकुलर पेज की ही आप डिटेल देने में व्यस्त रहेंगे। एक मुहावरा यूज़ किया है, यू कैन सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, यानी अगर आपको पूरे जंगल का जीवन समझना है, पूरे जंगल का इकोसिस्टम समझना है, तो आप सिर्फ एक ट्री पे फोकस्ड होके नहीं रह सकते। दूसरे शब्दों में, अगर आप सिर्फ माइनर डिटेल्स में ही उलझे रहेंगे तो पूरी समस्या को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, यानी इस धरती पर सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं और यूनिफॉर्मली हो रही हैं, यानी एक निश्चित पैटर्न में हो रही हैं। ये पास्ट में भी यूनिफॉर्मली हो रही थी, प्रेजेंट में भी यूनिफॉर्मली हो रही है और फ्यूचर में भी यूनिफॉर्मली ही होती रहेगी। तो अगर आपको किसी घटना का पास्ट समझना है या ओरिजिन समझना है या फिर फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, तो आपको उसका प्रेजेंट समझना होगा। आज उसमें जो चेंजेस चल रहे हैं उसी रिवाइंड करके आप उसके पास्ट या ओरिजिन तक पहुँच सकते हैं और उसी को फॉरवर्ड करके आप उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कहता है कि प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, यानी प्रेजेंट ही पास्ट को समझने की कुंजी है। अब चैप्टर के अगले भाग में उन्होंने समझाया है कि इन दोनों टर्म्स का मेडिसिन की फील्ड में क्या एप्लीकेशन है, हम क्यों इन दोनों टर्म्स को पढ़ रहे हैं। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि मेडिकल फील्ड को भी फिनोमेनोलॉजी की ज़रूरत है ताकि वो ओवर थियोराइजेशन से बचे और माइन्यूट डिटेल्स में ना फंस कर हेल्थ मेडिकल फील्ड यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की भी ज़रूरत है ताकि वो डिसीज़ के प्रेजेंट सिचुएशन से उसके पास्ट यानी ओरिजिन और डेवलपमेंट, उसके प्रेजेंट और उसके प्रोग्नोसिस यानी फ्यूचर को समझ सके। वो कहते हैं कि होम्योपैथी अकेला ऐसा मेडिकल साइंस है जो इन दोनों प्रिंसिपल को यूज़ कर रहा है, अपने होलिस्टिक व्यू से, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड व्यू से, और यहाँ प्रेजेंट कंडीशन को समझकर उसके ओरिजिन तक पहुँचा जाता है, यानी इट यूजेज द प्रेजेंट एज अ की टू पास्ट।
यानी होम्योपैथी का डिसीज़ एंड क्योर का कंसेप्ट फिनोमेनोलॉजिकल भी है और यूनिफॉर्मिटेरियन भी, क्योंकि आज जितनी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ और रिविलेशन्स हो रही हैं भविष्य में इससे भी कई ज़्यादा होंगे, लेकिन हमें एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन इन चीज़ों से भटकना नहीं है और अपना होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छोड़ना। चैप्टर के अगले भाग में डॉक्टर रॉबर्ट्स एडाप्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम ऐसे लॉस के अंडर काम करते हैं जो हमें नेचर और यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना और उनसे सबक लेना सिखाते हैं, हमें होलिस्टिक व्यू सिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैन इज अ नॉट इफ ही नॉट बी अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स एंड सब्जेक्ट टू इट्स लॉस। यानी मनुष्य कुछ नहीं है यदि वो इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं है और उसके लॉज के अधीन नहीं है, क्योंकि मैन एडाप्टिव है और उसका एडाप्टेशन हाईली स्पेसिफाइड है। मनुष्य में एडाप्ट करने की क्षमता है, मनुष्य में क्षमता है कि वो यूनिवर्स के लॉ को ऑब्जर्व कर सके, हेल्थ वेरिएशंस को ऑब्जर्व कर सके और इन दोनों को कोरिलेट कर सके, और कोरिलेट करके यूनिवर्स के लॉज का इस्तेमाल कर सके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एनिमल लाइफ में हाई डिग्री ऑफ एडाप्टेबिलिटी होती है। इसके पीछे का कारण है वो यूनिवर्सल एनर्जी जो इस यूनिवर्स के हर पार्टिकल में एग्जिस्ट करती है। हमने अध्ययन में पाया है कि कुछ खास परिस्थितियों के लिए हर व्यक्ति लगभग एक जैसे रिएक्ट करता है, जैसे अचानक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाना या फिर अचानक कोई आपदा आ जाना। ऐसी परिस्थितियों में हर व्यक्ति का लगभग एक जैसा रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि हम सबके अंदर एक जैसी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इस यूनिवर्सल एनर्जी को यदि मॉडर्न साइंस के टर्म्स में कहें तो वो कुछ ऐसे होगा कि चूंकि हम सबके शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, उनमें बेसिक एनर्जी एक जैसी है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इस वजह से हर एटम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है उसकी एक पोटेंशियल ससेप्टिबिलिटी है, जिसके कारण वो अपने आसपास के इन्फ्लुएंसेस के लिए कंटिन्यूसली रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म को भी फॉलो कर रहा है। यानी हम कभी भी स्थिर नहीं हैं, हमारे अंदर कंटिन्यूसली मोशन और चेंजेस हो रहे हैं, हम हर क्षण अडॉप्ट कर रहे हैं। आगे डॉक्टर रॉबर्ट समझाते हैं कि कैसे होम्योपैथी डायनामिक लॉ और स्टैटिस्टिकल लॉ के बीच का एक बैलेंस। डायनामिक लॉ के जो कंक्लूजन्स होते हैं वो रिजिड और डिटरमाइंड होते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पेड़ से अगर कोई फल अलग होता है तो वो नीचे ज़मीन पर आकर गिरता है, ये सारे कंक्लूजन निश्चित हैं, रिजिड हैं और डिटरमाइंड हैं। दूसरी ओर स्टैटिस्टिकल लॉ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है, संभावनाओं पर आधारित होता है। इसके कैलकुलेशंस के थ्रू हमें जो कंक्लूजन मिलते हैं वो हमें एक संभावित अनुमान देते हैं। जैसे अगर आप सिक्का उछालते हैं तो 50% संभावना है कि हेड आएगा और 50% कि टेल आएगा। अब होम्योपैथी इन दोनों के बीच कैसे है? वो ऐसे कि हमारे कुछ लॉज डायनामिक हैं और कुछ स्टैटिस्टिक्स पे आधारित हैं, जैसे हमारा लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन यानी लॉ ऑफ मिनिमम, जो होम्योपैथी की फाउंडेशन लॉज में से एक है। ये प्रूव्ड है, अफर्म्ड है, डिटरमाइंड है कि मिनिमम क्वांटिटी ही रिक्वायर्ड होती है चेंजेस लाने के लिए। लॉ ऑफ सिमिलिया भी एक डायनामिक लॉ है, ये बात भी प्रूव्ड है, डिटरमाइंड है कि हेल्दी ह्यूमंस पे सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करने वाली रेमेडीज ही उस तरह के सिम्टम्स वाली बीमारियों को ठीक करता। लेकिन अब यहाँ आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि अगर हमारे ये दोनों लॉज डायनामिक लॉज पे बेस्ड हैं जो कि रिजिड और डिटरमाइंड होते हैं, तो हमारी मेडिसिन का रिजल्ट भी रिजिड और यूनिफॉर्म होना चाहिए उनकी प्रूविंग्स में और उनकी पोटेंसी के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में।
लेकिन हर होम्योपैथ जानता है कि फेलियर का कड़वा स्वाद कैसा होता है। इन स्पाइट ऑफ केयरफुल स्टडी ऑफ केस, इन स्पाइट ऑफ केयरफुल प्रिस्क्राइबिंग, हमें असफलता मिलती है। तो इसका कारण क्या है? कोई ये नहीं बिलीव करना चाहता है कि हमारी स्टडी और हमारी प्रिस्क्राइबिंग में कोई गलती होगी, कोई फॉल्ट होगा। इसकी जगह ये कहना ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है कि लिविंग कंडीशंस में यूनिफॉर्मिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। या फिर हम हेरिडिटरी टेंडेंसी, साइकिक फोर्सेस, इन सब पे ब्लेम दे सकते हैं कि चूँकि पेशेंट के बैकग्राउंड में उसकी हेरिडिटरी टेंडेंसी थी, कुछ मेंटल फोर्सेस थे। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम खुद भी बहुत कम समझते हैं, पर ब्लेम देने के लिए ये आसान पॉइंट्स हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हेरिडिटरी टेंडेंसीज ना होने के बाद भी, मेंटल सिचुएशंस ना होने के बाद भी हमें फेलियर देखने को मिलते हैं, एक्शन में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आती, और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है तो हम सोचने लगते हैं कि यहाँ पे स्टैटिस्टिकल लॉ काम कर रहा होगा कि जब कोई मेडिसिन दी जाती है तो कुछ प्रतिशत संभावना होती है कि मेडिसिन काम करेगी, और कुछ प्रतिशत संभावना ये भी होती है कि मेडिसिन काम नहीं करेगी। इन सब के बावजूद ट्रुथ विल ऑलवेज बी द ट्रुथ, एंड द ट्रुथ इज क्योंकि डायनामिक लॉज के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग ही इनकम्प्लीट है, और इसीलिए हम अपनी कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए संभावनाओं पर निर्भर हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमारी मेडिसिन भी स्टैटिस्टिकल लॉज पे काम करेंगी। अगर हम डायनामिक लॉज को थोड़ा और ध्यान देकर समझें तो हाँ, हमें पता है कि जब हम एक सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो हम एक वेरिएबल फोर्स के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि सिकनेस इज वेरिएबल। लेकिन हम ये भी तो सोचें कि उससे डील करने के लिए हमारे पास जो औजार है, हमारे पास जो हथियार है, वो भी तो वेरिएबल है। हमारी मेडिसिंस जिनका पावर हमारे कंट्रोल में। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जिसे हमारी डायनामिक मेडिसिंस के फोर्सेस को मेजर किया जा सके। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अगले भाग में डॉक्टर रॉबर्ट्स इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस बात को रिकॉग्नाइज करना होगा कि हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक एटम के स्ट्रक्चर में है। एक एटम का स्ट्रक्चर इस यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जैसे यूनिवर्स में प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम। यूनिवर्सल फिजिक्स की प्रॉब्लम्स एटम के स्ट्रक्चर को समझकर एटम और यूनिवर्स की एनालॉजी बनाकर सॉल्व की जा सकते हैं। इसी तरह ये यूनिवर्स हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए। दिस इज द फिनोमेनोलॉजिकल व्यू ऑफ होम्योपैथी, क्योंकि ये सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, ये इस यूनिवर्स की हर पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, पोटेंसी। पोटेंसी एक ऐसा टॉपिक जिस पे सवाल किए जाने पे लोग अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। इसे एटॉमिक साइंस कैसे सॉल्व करता है? मॉडर्न साइंस सिखाता है कि एक एटम से उसके एटॉमिक वेट के प्रपोर्शन में ही एनर्जी ऑटोमेटिकली निकलती रहती है। इसीलिए हाई एटॉमिक वेट वाले रेडियोएक्टिव एटम्स के अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो उनके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। यानी जितना ज़्यादा एटॉमिक वेट उतनी ज़्यादा एनर्जी लिब्रेशन, और जितना कम एटॉमिक वेट उतनी कम एनर्जी लिब्रेशन। तो लो एटॉमिक वेट वाले एटम्स के रेडिएशंस इतने कम होते हैं कि उनसे एनर्जी निकालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी यदि हमें क्योर करने की शक्ति वाली रेमेडी चाहिए तो उसका एटम ना तो इतना हैवी होना चाहिए कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाए, और ना ही न्यूट्रल। इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए डॉक्टर रॉबर्ट्स एक एग्जांपल देते हैं क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड का।
अपनी मटेरियल डोज में ये बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है, बल्कि जब बच्चों के फीडिंग फार्मूला में इसे लाइम वाटर के फॉर्म में दिया जाता है तो ये उनमें रिकेट्स जैसी कंडीशन डेवलप कर देता है। दूसरी तरफ पोटेंटाइज्ड कैल्शियम रिकेट्स और कई दूसरी अनगिनत बीमारियों के लिए एस्टॉनिशिंग क्यूरेटिव रिजल्ट्स देता है। विटामिंस पर हुई रीसेंट स्टडी में भी ये डेमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि लोअर ट्रैचुरेशन में ये इनर्ट रहती हैं, लेकिन हायर पोटेंसी में उनकी एक्टिविटी और इन्फ्लुएंस मार्जली इंक्रीज हो जाता है। ये सारी स्टडीज़ एटम्स का बिहेवियर, कैल्शियम और विटामिन की मटीरियल डोजेस और माइन्यूट डोजेस, इन दोनों के प्रभाव में जो अंतर हमने जाना, ये सब हमें बाध्य करती है कि हम इस बात पर चिंतन करें कि ट्राइचुरेशन और सक्कशन की प्रोसेस की क्या वैल्यू है, कैसे ये एक जरिया है एटम्स को स्टिमुलेट करने का ताकि उसकी एनर्जी रिलीज हो सके। अब अगर हम मटीरिया मेडिका की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हद तक हम स्टैटिस्टिकल लॉ पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि किसी रेमेडी की लोअर पोटेंसी की प्रूविंग में जो सिम्टम्स आए हैं वो उसकी हायर पोटेंसी के लिए भी लागू होते हैं। सेकेंडली हम अज्यूम करते हैं ट्राइचुरेशन से बनाई हुई 30 पोटेंसी भी वैसे ही रिजल्ट देगी जो सक्कर्शन से बनाई हुई 30 पोटेंसी देगी। एक्सपीरियंस ने हमें ये भी सिखाया है कि सर्टन रेमेडीज के सर्टन सिम्टम्स होते हैं जो उसकी हर प्रूविंग में देखने को मिलते हैं, और ऐसे सिम्टम वाले पेशेंट्स पर ये उसी रेगुलरिटी के साथ इफेक्ट करते हैं। ये होम्योपैथी का आर्टिस्टिक पार्ट है और यही हम खुद को क्रिटिसिज्म के लिए ओपन कर देते हैं, जैसे कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस हमें करना चाहिए। तो हमने देख लिया कि कैसे होम्योपैथी डायनामिक लॉ और स्टैटिस्टिकल लॉ के बीच का बैलेंस है। अब हम वापस आते हैं एटम के स्ट्रक्चर की तरफ। तो एटम्स के बारे में तो साइंटिस्ट मिल्कन ने हमें बता दिया कि कैसे जब एक एटम पर एक्सरे बम्बार्ड की जाती है तब या तो वो न्यूट्रॉन्स को लेकर एक हैवियर एटम में कन्वर्ट हो जाता है या उसके न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, जिससे एटम अनस्टेबल हो जाता है। और कोई भी एटम अनस्टेबल नहीं रहना चाहता है, इसलिए खुद को स्टेबल करने के लिए वो एक प्रोटॉन बाहर निकाल देता है और हल्के एटम में बदल जाता है। मिल्कन्स ये भी बताते हैं कि न्यूट्रॉन्स को एटम्स के न्यूक्लियस में जाने और उसे हल्के एटम में ट्रांसफॉर्म करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन अब तक ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी जो बता सके कि ट्राइचुरेशन एंड सक्कर्शन का एनर्जी रिलीज से कैसा संबंध है। क्या हम असल में एलिमेंट्स का कैरेक्टर चेंज करते हैं? यदि हाँ, तो क्या ये एक फिक्स रेशियो में होता है? ये एक ऐसी फील्ड है जो अभी तक डेवलप नहीं हुई, लेकिन ये होम्योपैथी को एक चैलेंज भी ऑफर करती है। ये एक ऐसा खुला सवाल है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे यदि इसके प्राथमिक पहलू पर सॉल्व कर दिया जाए तो ये होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को फिजिक्स के फील्ड के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगी। ये तो हुआ पोटेंसी का सवाल। अगली प्रॉब्लम है सिंगल मेडिसिन या पॉलीफार्मेसी। अब हैनेमन और उनके फॉलोअर्स ने इसका रीज़न दिया था कि क्योंकि हमने केयरफुल प्रूविंग्स में देखा है कि सिंगल रेमेडीज ही सफिशिएंट होती है और इसके यूनिफॉर्म एक्शन पे डिपेंड हुआ जा सकता है, वहीं अगर एक से ज़्यादा रेमेडीज एक साथ यूज़ की जाएं तो उनका एक्शन प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। पर डॉक्टर हर्बर्ट रॉबर्ट कहते हैं कि ये एक ऑब्जर्वेशन है, ना कि एक्सप्लेनेशन। मॉडर्न फिजिक्स हमें इसका सॉल्यूशन देता है कि जब लो एटमिक वेट के एटम्स को हाई एटमिक वेट वाली रेडिएशंस के साथ कंबाइन किया जाता है तो न्यूट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, और ये न्यूट्रॉन जब दूसरे एलिमेंट्स के संपर्क में आते हैं तो आसानी से उनसे कंबाइन हो जाते हैं और उन्हें अनस्टेबल कर देते हैं, जिससे उन एलिमेंट्स में बदलाव आने लगते हैं। मिल्कन्स ने इसका एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि जब बेरिलियम को बहुत ही कम मात्रा में भी रेडियम एमिनेशंस के साथ मिक्स किया गया तो एक न्यूट्रॉन रिलीज होकर सिल्वर एटम के न्यूक्लियस में चला गया, जिससे सिल्वर एटम अनस्टेबल हो गया और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर खुद को कैडमियम में बदल दिया। तो अगर हमारे पोटेंटाइजेशन के मेथड्स
एक इनर सब्सटेंस की इनहेरेंट एनर्जी रिलीज करवा सकते हैं, तो हो सकता है ट्रांसम्यूटेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हालांकि हमारी कुछ मेडिसिन भी कंपोजिट सब्सटेंस से बनती हैं, जैसे कि प्लांट रेमेडीज, बट चूंकि लिविंग सब्सटेंस में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते हैं जो कि इन कंपोजिट सब्सटेंस को अनस्टेबल या फिर ट्रांसम्यूटेड कर सके, फिर भी ट्राइचुरेशन और सक्कर्शन से चेंज हुई एनर्जीज का किसी इंडिविजुअल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, ये विचार करने और जानने योग्य है। डॉक्टर हर्बर्ट कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स एक फिजिशियन के स्कोप से बाहर है। हमें तो बस ये ज़रूरी लगता है कि हमें थोड़ा मटीरियल मेडिकल का ज्ञान हो, कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स पता, ताकि हम अपनी रेमेडीज एडमिनिस्टर कर सकें। अपने काम के लिए हम एक छोटा नज़रिया रखते हैं, निकट दृष्टि दोष, कूप मंडूक। अगर हम अपना नज़रिया फैलाएं और फिनोमिनोलॉजिकल व्यू से देखें तो ये सारी प्रॉब्लम्स बताती हैं कि हमें अपने काम में और ज़्यादा थरो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। हैवी मटेरियल और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का एनवायरनमेंट में कैसा प्रभाव पड़ता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर हर्बर्ट और एग्जांपल्स देते हैं। वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने ये पाया कि जिन जगहों पर सेलेनियम पृथ्वी की सतहों पर पाया गया, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है, तो वहाँ रहने वाले लोगों की हेल्थ पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन जगहों पर उनका रहना मुश्किल हो गया। हालांकि सेलेनियम, इसका एटॉमिक वेट 34 है और ये आर्सेनिक और ब्रोमाइड के बीच है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भी काफ़ी हल्का है, उसके बाद भी ये इतना प्रभावशाली है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में ये पाया गया, एक ही जगह के आसपास बार बार एरोप्लेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जब इसकी वजह खोजी गई तो पाया गया कि उस जगह पर यूरेनियम डिपॉजिट फील्ड्स थे, एटॉमिक नंबर 92, ये हाईली रेडियो एक्टिव है। बताया गया कि यूरेनियम की रेडिएशंस ने एरोप्लेन के डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्टर्ब कर खराब कर दिया, जो दुर्घटना का कारण बना। इसी तरह डॉक्टर हर्बर्ट बताते हैं कि रेडिएशंस कैसे पेशेंट की डिसीज और मोडालिटीज को प्रभावित करते। एक हार्ट डिसीज का पेशेंट है जो हाई एल्टीट्यूड्स बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम इसे एक इम्पॉर्टेंट मोडालिटी समझते हैं और सोचते हैं कि इसका कारण क्या होगा। हमें बताया गया है कि कॉस्मिक रेज समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर 5.5 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। कॉस्मिक रेज सारे एलिमेंट्स के लिए डिस्ट्रक्टिव होती है, तो वो व्यक्ति जिसका सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, जिसका वाइटल बैलेंस ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, उसे हाई एल्टीट्यूड पर कॉस्मिक रेज जैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स से एक्सपोज किया जाएगा तो एग्रेवेशन तो होगा ही। दूसरी तरफ एक साइकोटिक पेशेंट है जिसे इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सी लेवल की डैम्पनेस से एग्रेवेशन है और हाई एल्टीट्यूड्स में उसे एमलरेशन होता है। हम जानते हैं कि साइकोसिस मियाज़म में हमारे शरीर की कुछ सेल्स का ओवर स्टिमुलेटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ऐसे व्यक्ति पर हाई एल्टीट्यूड में कॉस्मिक रेज का बम्बार्डमेंट हो तो वो उसकी ओवर स्टिमुलेटेड ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे उसकी डिसीज स्टेट बैलेंस होगी और पेशेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह फील्ड ऑफ एटम्स में सिकनेस और हेल्थ से जुड़े हमारे प्रश्नों का फाइनल आंसर छुपा, चाहे वो कंसेप्शन की प्रॉब्लम हो, ग्रोथ की प्रॉब्लम हो, वाइटल बैलेंस की प्रॉब्लम हो या डिके की प्रॉब्लम। यहीं पर क्योर से जुड़े हमारे प्रश्नों का भी जवाब पड़ा है कि नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे मेंटेन करें, वाइटल बैलेंस का रिटेंशन कैसे करें, प्री मैच्योर डिके कैसे रोकें। डॉक्टर हर्बर्ट कहते हैं कि ये चैलेंज उस साइंटिस्ट के लिए है जिसे होम्योपैथिक प्रिंसिपल और उनके एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग है, या ये कहें कि ये चैलेंज उस होम्योपैथिक साइंटिस्ट के लिए है जो यूनिवर्स के स्ट्रक्चर का फिनोमेना समझता है, किसी इंडिविजुअल की बीमार सेल में नहीं। यूनिवर्स और यूनिवर्सल लॉ झलकता है हर एलिमेंटल एटम के यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में, वही मिलेगा हमें हमारा क्लैरिफाइड व्यू।
द फिनोमिनोलॉजिकल व्यू। इस बात के साथ डॉक्टर रॉबर्ट इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चैप्टर की कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा पैराग्राफ जो आप समझ नहीं पा रहे हो वो भी आप बता सकते हैं। उम्मीद है इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर हुई होगी।